हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे हम बेबी फ्रॉक बनाना, जिसके लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है नेट का। सबसे पहले हमने टॉप पार्ट के लिए कपड़ा अलग कर लिया है 2 मीटर कपड़े में से, तो हम 4 तह में बिछा लेंगे और इसको हम 4 साल की बच्ची के लिए बनाएंगे। तो सबसे पहले लंबाई लेंगे हम यहाँ से 10 इंच और 1 इंच और एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे इसमें कटिंग करते टाइम, यानी कि 11 इंच होगी टोटल। अब यहाँ से शोल्डर लेंगे 5 इंच पे और जो अपना आर्म होल होगा उसे हम यहाँ से लेंगे 5.5 इंच पे, और अपनी जितनी भी बच्ची की ब्रेस्ट है उसमें आपको 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लेना है। तो यहाँ से मैं लगभग 8 इंच ले रही हूँ। गोलाई दे लेंगे, कमर वाली साइड से मैंने 7 इंच लिया है क्योंकि इसमें मैं इलास्टिक डालूँगी कमर वाली साइड को। 2 इंच गले की चौड़ाई ले लेंगे और जो लंबाई है वो यहाँ से हम 4 इंच पे ले लेंगे और एक बॉक्स बना के गोल शेप दे देंगे। पीछे वाले गले को हम 3 इंच का ही रखेंगे, आगे वाले गले को 4 इंच का। अब पहले हम आर्म होल से लेके और नीचे बॉडी तक की कटिंग कर लेते हैं टॉप पार्ट की, उसके बाद ही हम अपने बैक पार्ट को अलग करके। तो 1 इंच मैंने और एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर लिया है, ये देखिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉप पार्ट। अब इसके शोल्डर को भी हल्का सा डाउन करते हुए हम कटिंग कर लेंगे। अब एक पार्ट को मैं अलग कर दूंगी जो कि हमारा आगे वाला पार्ट है, वो सॉरी पीछे वाला पार्ट है, और आगे वाले पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा आगे वाला पार्ट। अब इसी को हम लगभग 3 इंच के डिस्टेंस से रख के और कट कर देंगे, और पीछे से इसमें लगभग हम 3 से 3.5 इंच का एक लंबा कट लगाएंगे ताकि इसमें हुक लगा के पहनने में कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चे को। अब हमारे पास जो ये और बचा हुआ नेट है, अब ये 2 मीटर से कम है हमारा क्योंकि हमने इसमें से टॉप पार्ट ले लिया है। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करके, पहले 2 फोल्ड करेंगे और एक कोना पकड़ के ऐसे तिकोना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम अपने टॉप पार्ट को रखेंगे जो कमर वाला हिस्सा है, और रख के और यहाँ से हम ऐसे ड्राफ्टिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद इसकी लंबाई देख लेंगे, आप कितनी लंबाई रखना चाहती हैं, 34 पे 30 पे जितने पे भी आप रखना चाहती हैं उस हिसाब से आप इसकी फुल लंबाई ले सकती हैं। ऊपर से भी नाप लेंगे, अगर ऐसे नाप रहे हैं तो इसकी लंबाई 19 इंच आ रही है। अब ऐसे पूरे में गोल सर्कल बना लेंगे और फिर सभी को एक दूसरे से हम अटैच कर देंगे। तो ये देखिए सभी को मैंने एक दूसरे के साथ मिला दिया है। अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम इनकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम कमर वाले हिस्से को कट करेंगे और नाप के देख लेंगे तो एकदम बराबर है। अब उसके बाद हम इसको नीचे से घेरे को कट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गए हैं पार्ट 2। अब हम अस्तर को भी, अस्तर इससे लगभग हमारा ऊंचा रहेगा, 4-5 इंच या 3-4 जितना भी आपका होता है अस्तर थोड़ा ऊंचा ही रखें। अब ऐसे दोनों को बस कमर वाला हिस्सा लेके और बस साइज़ ले लेंगे इस कमर का, बाकी लंबाई अपने हिसाब से रखेंगे हम। तो यहाँ से लंबाई आ रही है 15 इंच पे, तो हम 15 इंच पे इसकी टोटल लंबाई लेके और ऐसे गोल शेप देके इसकी भी कटिंग कर देंगे। कमर वाले हिस्से को भी कट कर लेंगे। अब जो बंद पार्ट है उसको भी हम यहाँ से खोल देंगे। तो ये हो गया हमारा घेरा अस्तर और ये हो गया इसका, इसको भी हम पहले ओपन कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, दिखाई नहीं देगा वैसे ज़्यादा ऊँचा होगा। अब हमने क्या करना है कि इसको भी 4 तह में रख के अस्तर को और आगे और पीछे के पर्दे दोनों कट कर देने हैं इस तरीके से रख के। अब सिलाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने अपने टॉप पार्ट को तैयार करना है, अस्तर के ऊपर टॉप पार्ट को उल्टा करके रखना है और गले से स्टार्ट करनी है सिलाई, और आर्म होल से लेके शोल्डर तक आपको ऐसे ही सिलाई लगानी है बराबर करके। पिनअप कर लें अगर आपको ऐसे डायरेक्ट दिक्कत हो, क्योंकि हम इसमें कोई भी पट्टी वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, हम ऐसे ही सिलाई लगा के इसको फिनिशिंग के साथ सिलेंगे। तो यहाँ तक हो गया हमारा ये कंप्लीट। अभी हम क्या करेंगे कि इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि जब हम इसको सीधा करें तो इसमें झोल ना आए। अब इसको जो मैंने जहाँ से हम फिटिंग करते हैं वो पार्ट मैंने ओपन छोड़ दिए थे, तो उन्हीं की हेल्प से हमने इसको सीधा किया है और बाद में हम उनको सिल देंगे। पहले हम ये अपना गले वाला और आर्म होल वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे।
अब दूसरे पार्ट को भी सेम जोड़ेंगे। तो जो हमने कट लगाया था इसको भी सेम ऐसे ही स्टार्ट करना है, आर्म होल से लेके और नीचे तक इस कट को आपको ऐसे सिलते हुए जाना है। ये देखिए वी शेप में आएगा हमारा ये कट, और बस ऐसे आगे की साइड में शेप मिला के और गले से लेके आर्म होल तक आपको पूरा सिल देना है, और फिर उसके बाद इसे सीधा कर लेना है। तो यहाँ तक होने के बाद फिर आप उसके बाद हम अपना जो घेरा है वो तैयार करेंगे, और इसमें छोटे छोटे कट जरूर लगा लें ताकि जब हम इसे सीधा करें तो इसमें झूल ना आए। अब देखिए सीधा कर लेते हैं और एक सिलाई इसके ऊपर से लगा के और फिर चारों तरफ से सिलाइयाँ इसमें ऐड कर देंगे। तो हम इस यहीं से स्टार्टिंग कर लेते हैं सिलाई की, और बस आर्म होल वाली साइड तक लेके आएंगे और फिर गले तक इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए दोनों को मैंने कर लिया है तैयार। अभी हम क्या करेंगे कि इसके जो नीचे का अस्तर वाला घेरा है उसको तैयार करेंगे। तो इसको हम लगभग 1 से 1.5 इंच तक मोड़ देंगे पूरे को, और सेम हम अपने जो हमारा नेट है उसको भी हम 1-1 इंच के बराबर मोड़ देंगे। अब दोनों की कमर वाली साइड सिल लेंगे हम। ये देखिए जो एक्स्ट्रा अस्तर निकल रहा है उसे हम कट कर देंगे बाद में। अब इसके साथ हम अपने टॉप पार्ट को रखेंगे और ऐसे सिलाई कर देंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम बाद में कट कर देंगे। तो पहले पीछे वाले पार्ट को सिल लेते हैं, आगे वाले पार्ट को भी वैसे हमें सेम ही बनाना है। तो ये देखिए दोनों को रख के मैंने अच्छे से कर दिया है, सिल दिया है। अब जो दूसरा पार्ट है उसका भी हम घेरा अटैच करके और उसका भी टॉप पार्ट तैयार है, दोनों को हम अटैच कर देंगे। अब इनका शोल्डर जोड़ लेंगे हम। तो यहाँ से रख के दोनों को बराबर करके हम शोल्डर वाली साइड से इनको जोड़ देंगे, कोई भी छोटा बड़ा ना हो, आपका बराबर हो एकदम। और फिर उसके बाद इसमें फिटिंग कर देंगे एक साइड से। एक साइड से फिटिंग करनी है क्योंकि दूसरी साइड से हम इसमें इलास्टिक डालेंगे कमर वाली साइड को। अगर हम इलास्टिक डालते हैं तो फिर हमें इसमें पीछे बेल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो हम बांधते हैं टाइट लूज करने के लिए, तनी भी बोलते हैं उनको, तो वो लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप उसमें इलास्टिक डाल रहे हो, क्योंकि इलास्टिक से थोड़ा सा टाइट हो जाता है। अब एक साइड को हो गई है, अब इसको ऐसे खोलेंगे पार्ट को। ऐसे खोलने के बाद अभी हमने ये इलास्टिक ले लिए, लगभग 3 से 3.5 इंच चौड़ाई है इसकी, लेकिन इसको हल्का सा खींच के लगाना है। ये देखिए अगर बच्ची हेल्दी है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखें इसको इलास्टिक को, ताकि चुभे ना कमर में, और बस ऐसे सिलाई लगाते हुए आपको चलना है। तो ये देखिए ये हमारी यहाँ तक पूरी आ गई है। तो देखिए ये मैंने लगा दी है, अब बस मैं इसमें फिटिंग कर दूंगी नीचे तक, और दोनों साइड से बराबर करके। एक साइड से तो फिटिंग कर ली है, फिटिंग करके ही हमने इलास्टिक लगाई है, एक साइड से फिटिंग कर लें और फिर दूसरी साइड से। और देखिए ये हमारा अस्तर इतना ऊंचा रहेगा हमारे नेट से। अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए अब इसका फाइनल लुक है। अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा।